वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और आपने ये भी देखा था जो सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही होता है, यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल 2x = 4 लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल में है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है। कैसे? x = 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सॉल्यूशन का मतलब होता है चाहे कहीं पे भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो x की जो वैल्यू आ गई, वेरिएबल की जो वैल्यू आ गई, ये इसका क्या कहलाएगी? सॉल्यूशन कहलाएगी। इसी तरह आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, इसके सॉल्यूशन का मतलब वही सेम, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिया x = 0 और y = 2, मैं कहता हूं इसका ये सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अगर हम पुट करते हैं, x को 0 पुट किया, y को 2 पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आई? 2। राइट हैंड साइड भी 2 ही है ना, तो दोनों साइड क्या हो गई? बराबर। यानी कि हम x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करें और दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन। और इसको हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 0 2, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर्ड पेयर। पहला जो नंबर है वो हमारा x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? y को। और ऑर्डर पेयर का मतलब है अगर आप इसको 2 0 लिख दोगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ऑर्डर में लगे हुए हैं, पहला x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y को। इसी तरह हम और कोई दूसरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 0, 2 0 भी इसका एक सॉल्यूशन है ये भी। जैसे अगर मान लो 1 और 4 की बात करें, 1 और 4 इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। x को देखो 1 पुट करो और y को 4, 1 प्लस 4 कितना आ गया? 5, बट किसके इक्वल है? 2 के। यानी कि 1 और 4 हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सेटिस्फाई करने का मतलब पता लग गया, ठीक है। अब हमारे ये दो सॉल्यूशन हुए। इसी तरह आप देख सकते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे? आप x की वैल्यू पुट करें या y की। मान लो मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, पुट x = 1, तो 1 + y = 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो x को मैंने कितना पुट किया था? 1, और y को 1, तो ये एक सॉल्यूशन आ गया। तो इसी तरह आप x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यूज पुट करते रहेंगे, डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहेंगे x की, तो डिफरेंट वैल्यूज क्या आती रहेंगी? y की। अगर y की पुट करेंगे तो किसकी आती रहेगी? x की। तो इसलिए जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हमारे पास, मैंने, हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर रहा हूं बट ओरली बता देता हूं फर्स्ट को। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y = 3x + 5, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है y = 3x + 5। आपने बताना है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा, या ओनली 2 सॉल्यूशंस होंगे, या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने ऑप्शन को बताना कौन सा हमारा सही है। अभी मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनेटली मैनी। एक सॉल्यूशन नहीं होता, 2 नहीं होते, 3 नहीं होते, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की क्या आएंगी? हमारी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। अगर वाई की वैल्यूज पुट करेंगे इनफाइनाइट वैल्यूज, तो हमारी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन, अब हम देखिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। अभी मैंने बताया था x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, ठीक है, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास इस क्वेश्चन सेकंड के 3 पार्ट हैं, 2x + y = 7,
पाई एक्स प्लस नाइन इज टू नाइन एक्स इज टू फोर वाई। क्वेश्चन फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट देखिए। सोल्यूशन निकालने का जैसे कि मैंने बताया था x और y की वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक तो मैं इसके अंदर ध्यान से देखें, एक तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूं। मान लो आपने x की वैल्यू पुट की 1, पुट x इज टू 1, x को 1 पुट किया मैंने तो ये आ गया 2 प्लस y इज टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 उधर चला जाएगा 5, तो x 1 y 5, तो हमारा ये सॉल्यूशन 1 5 आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है मैं x की पुट कर दूं वैल्यू या y की वैल्यू पुट कर दूं। एक बढ़िया तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इसमें से आप देखो हर बार हमें इस कांस्टेंट को उधर लेके जाना पड़ेगा, जिसके साथ नंबर नहीं है आप उस वेरिएबल को निकाल लो। y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, 3 4 5 कोई नहीं है ना, तो y की वैल्यू मैंने निकाल ली तो 7 माइनस 2x हो गई, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करते रहेंगे, y की वैल्यू आती रहेगी, ये थोड़ा उससे स्टेप कम पड़ेंगे हमारे। आप पूरी इस इक्वेशन में पुट कर सकते थे आप, बेटर है जिस वेरिएबल के साथ नंबर नहीं, मल्टीप्लाई नंबर नहीं है, वो वेरिएबल निकाल लो। निकाल लिया मैंने, अब पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 1, तो x को 1 पुट किया तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, तो y कितना आ गया 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, तो मेरा एक सॉल्यूशन क्या आ गया 1 और 5। ठीक है, x 1 है तो y 5, पुट x इक्वल टू 0, अब x को क्या पुट कर दिया हमने 0, x को हमने 0 पुट किया, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, तो 7 माइनस 2 इंटू 0 0, ठीक है, तो y कितना आ गया 7। एक दूसरा सोल्यूशन हमारा ये आ गया। अब हम x की वैल्यू पुट कर दें, मर्जी है आपकी x की वैल्यू पुट कर दें, जरूरी नहीं है देखो y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप, बेटर है क्योंकि y अकेला इस तरफ, x की वैल्यू पुट करते रहेंगे किसकी वैल्यू आती रहेगी y की, और y की पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी x की, तो पुट x इज इक्वल टू 2, x की 2 वैल्यू पुट की हमने, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो 7 माइनस 4 कितना आ गया 3 आ गया, तो तीन सॉल्यूशन आ गए हमारे। अब आप पुट x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट कर दें आप, आपकी मर्जी है, पुट x इज इक्वल टू मान लो हमने x की वैल्यू पुट की है, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई y इज इक्वल टू 7 माइनस, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, ध्यान रखना ये दोनों सेम है इक्वेशन, हम इसमें पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो y कितना आ गया 7 माइनस माइनस प्लस 2, तो y कितना आ गया 9, तो 4 सॉल्यूशन आर वन फाइव, पहले 1 लिखेंगे फिर 5, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया हमने, सेकंड क्या हो गया 07, दूसरा क्या हो गया 23, फोर्थ क्या हो गया माइनस 1 एंड 9, दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। तो हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, आपको पता पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। देखें हम यहां से वाई निकाल लेते हैं क्योंकि एक्स के साथ तो नंबर मल्टीप्लाई है, देखो कोई जरूरी नहीं है वाई को निकालना, जैसे मान लो एक्स को आपने 2 पुट कर दिया, ठीक है, और प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू इधर जाके माइनस करना पड़ेगा, ये कितना हो गया 2π और प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो फिर 9 वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2π, पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज सॉल्यूशन निकाल लो पाई की जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा स्टेप एक तो फालतू पड़ता है, बेटर है हम वाई की वैल्यू निकाल देते हैं यहां से, वाई यानी कि 9 माइनस पाई एक्स। अब आप एक्स की वैल्यू पुट कर दे करेंगे, इधर दो टर्म है इधर एक सिंगल, वाई निकाला है तो वाई की वैल्यू निकलती रहेगी और एक्स की आप पुट करते रहेंगे। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई कितना हो गया हमारा y इज टू 9 माइनस पाई इंटू 0, तो y कितना हो गया हमारा, ये तो 0 बन गया, पाई को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो y 9, तो एक तो हमारा ये हो गया, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो 2 पुट कर दो, तो y कितना हो गया हमारा 9 माइनस पाई इंटू 1, पाई इंटू 1 पाई
तो 9 माइनस पाई, दूसरा सॉल्यूशन आ गया। लाइन खींचनी है खींच दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो 9 माइनस 2 पाई, तो एक तीसरा सॉल्यूशन आ गया। पुट x इज इक्वल टू 3, कुछ भी पुट कर दे आपकी मर्जी, y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, बेटर है y निकलता रहेगा, हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, तो 9 माइनस 3 पाई। तो फोर सॉल्यूशंस हमारे कौन कौन से हो गए, फोर सॉल्यूशंस आर, एक हमारा हो गया 09, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, 1 9 माइनस पाई, सेकेंड 9, सेकेंड 2 9 माइनस 2 पाई, और 3 9 माइनस 3 पाई, ये हमारे फोर सॉल्यूशंस हो गए। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 4y। देखिए अगर हम देखो x सिर्फ अकेला है, ठीक है, और इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे x की निकलती रहेगी वैल्यू, ये बढ़िया है, क्योंकि देखिए आगे हम इसका ग्राफ करेंगे लीनियर इक्वेशन इन, जैसे आपने थर्ड चैप्टर में किया है ग्राफ वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट किया है, तो इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो हमें बेटर है ये चीज समझने में सही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको बता दूं, आपने मान लो x की वैल्यू पुट की, आपने मान लो x की वैल्यू 1 पुट की, पुट x इज इक्वल टू 1, ध्यान से देख लेना, x को 1 पुट किया तो 4y, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 नीचे आ गया, तो सोल्यूशन क्या आया, एक्स को 1 और वाई को 1/4, तो थोड़ा मुश्किल आया ना सोल्यूशन, 1/4 बना, ठीक है। इनको ग्राफ पे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना, ग्राफ पे हम इन पॉइंट्स को दिखाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो बढ़िया है आप x अकेला है यहां पे, y की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू ना पुट करें, y की वैल्यू पुट करें, ठीक है। अगर x की पुट करेंगे गलत नहीं होगा, लेकिन आसानी हमें पुट y इज इक्वल टू की है, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया 4 × 0, 0 एक सोल्यूशन आ गया। पुट y इज इक्वल टू कुछ भी पुट कर दे 1, तो x क्या हो गया 4 × 1, तो x कितना आ गया 4, पुट y इज इक्वल टू 2, x कितना आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम 4 × 2, पुट y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 × यहां पे पुट किया 4, तो x कितना हो गया 16, तो हमारे कितने सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस आर। तो कौन कौन से सॉल्यूशन है, देखो आपने y को 0 पुट किया, x 0 आया, 0 0, पहले x लिखेंगे, x कितना आया 4, y कितना 1, 4 1, x कितना 8, y कितना 2, x कितना आया हमारा 16, एंड 16 4, ये 4 सॉल्यूशंस हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड व्हिच आर नॉट। हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी हुई है, आपने बताना है, और ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से जो ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, कौन कौन से गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं और कौन से सॉल्यूशन नहीं है। अब चेक कैसे करेंगे, ये अगर इसका सॉल्यूशन होगा, ये पॉइंट कोई सा भी पॉइंट अगर सॉल्यूशन होगा, तो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है हम एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, अगर दोनों साइड बराबर आ जाती हैं तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन है, अगर इक्वल नहीं आएंगी दोनों साइड तो हम कहेंगे सॉल्यूशन नहीं है। पहले हम ये चेक करते हैं जीरो पॉइंट, ये हमारा दिया हुआ एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू, ये इक्वेशन है, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, पुट एक्स इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, तो 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 0 तो 0 की कोई वो है नहीं, माइनस 4 इज इक्वल टू 4, क्या दोनों साइड इक्वल है, फॉल्स, नॉट ट्रू, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो वैल्यू है x की 0 और y की 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड, या पूरा लिख देते 0 2 इज नोट द सोल्यूशन,
ठीक है, सेकंड पे आ जाए 20, पुट x इक्वल टू 2। देखो इस इक्वेशन में पुट करना है, ध्यान रखना यही तो बताना है ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, तो x को 2 पुट किया, y को 0, तो 2 माइनस 0 4, 2 इक्वल टू 4 होता है फॉल्स, विच इज नॉट ट्रू, इसका मतलब नो, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा सेकंड वाला, इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे 40, पुट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो x हमारा 4 है, y है हमारा 0, तो 4 माइनस 0, 2 इंटू 0 0 होता है, 4 इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 4, ट्रू है, यस, इसका मतलब जो हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारा क्या, रूट टू, फॉर रूट टू पुट x इक्वल टू रूट टू, y इक्वल टू 4 रूट टू, यानी कि हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे रूट टू, और y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 4 रूट टू, ठीक है, x की वैल्यू रूट टू माइनस 2 इंटू 4 रूट टू इक्वल टू 4 रूट टू माइनस, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 टू जा 8, 8 रूट टू, और नाइन्थ क्लास में आपने किया है पहले चैप्टर फर्स्ट में, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 7 रूट टू, इसका मतलब 1 रूट टू है, 1 माइनस 8 लाइक टर्म्स है माइनस 7, 4 क्या इक्वल है दोनों, नो फॉल्स विच इज नॉट ट्रू, इट मींस दिस इंप्लाइज गिवन पॉइंट, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है, नो। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो वैसे भी बहुत कम क्वेश्चंस दिए होते हैं, बेसिक है ये आपका, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है और ये दिया हुआ है हमारा जो ये पॉइंट है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब हम ये वैल्यू x और y की अगर इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन क्या हमें x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करने का मतलब है x को पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, x को 2 पुट कर दो और y को कितना पुट कर दो 1, और दोनों साइड क्या हो गई इक्वल। अब कहेंगे सर इक्वल तो नहीं हुई, भाई k की वैल्यू हमें निकालनी है तो दोनों साइड हमें इक्वल लिखी है ना, इक्वल क्यों लिखी है हमने, इक्वल इसलिए लिखी है क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, तो पुट कर दिया तो दोनों इक्वल हो गई, तो कितना आ गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये हमारे क्या आ गया आंसर, यानी कि k अगर हमारा 7 होगा तो दोनों साइड्स क्या होंगी हमारी इक्वल होंगी, ठीक है।